दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला का चारों टेस्ट मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर ट्रॉफी को बरकरार रखा और जिसके बाद एक बार फिर आमने सामने भिड़ेंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में, जिसका आगाज 17 मार्च से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, जहाँ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और बल्ला गरजने का अनुमान है इस ओडीआई श्रृंखला में भी गिल साहब और विराट कोहली का। वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस की भी वापसी हो सकती है और स्टीव स्मिथ समेत कई गेंदबाज और ऑलराउंडर भी एक्शन में नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पर। तो नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन कौन जगह बना सकता है, आइए जानते हैं। ओपनिंग करेंगे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल, फिर मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और फिर ईशान किशन या फिर संजू सैमसन को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का नाम स्क्वाड में था और अब वह बैक पेन की वजह से बाहर है, स्कैन चल रहा है, तो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकते हैं संजू सैमसन, इनकी भी वापसी हो सकती है, तो यहाँ खेल सकते हैं ईशान किशन या फिर संजू सैमसन। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, या फिर स्पिनर को ध्यान में रखें तो अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को भी मौका मिल सकता है। जिसके बाद गेंदबाजी की श्रेणी की बात करेंगे तो 3 फास्ट बॉलरों के साथ उतरेगी भारतीय टीम, जिसमें उमरान मलिक, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। तो इस प्रकार से है कुछ प्लेइंग 11, लेकिन स्क्वाड में तो कई सारे नाम हैं। ओपनर के रूप में ऑप्शन है राहुल का, फिर मिडिल ऑर्डर में है संजू सैमसन और गेंदबाजी में है चहल, कुलदीप और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, लेकिन ये जो प्लेइंग 11 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और आपके नजरिए से क्या हो सकता है प्लेइंग 11 भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें फर्क पड़ता है।